तू कैसा मुस्लिम है, तू गॉड को मानता है, तू प्रेम मांग रहा है, लोगों की सोच है। मैं कभी आपको ऐसा लगा है, इतू सा तो कुवैत है, इतू सा क्या घूमे हम लोग, क्या एक्सप्लोर करे कुवैत को, कभी आपको ऐसा लगा है? और गर्ल ज्यादा आती है यहाँ पे, देखो आप हर तरफ। लीजिए आसिफ भाई गर्मा गर्म चिकन। और एक बात, यहाँ पर ना 60 लास्ट एज है, 60 साल हो गया ना, उसके बाद यहाँ पर आप नहीं रह सकते। चेस कीजिए, ये लीजिए चेस। तो आप लोग टाइम जरा देखिए, 1:36 हो रहा है और क्या कड़कती हुई धूप है। तो गर्मी अभी सर पे आ गया है कुवैत में, यार इस गर्मी में मंगता है अपने को कुछ तो ठंडा, पहले ठंडा पी तो उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। चलते हैं बकाले में ठंडा लेते हैं। यहाँ पे है ड्यू, माउंटेन ड्यू। डर के आगे जीत नहीं, माउंटेन ड्यू है। ताप बहुत कमजोर हो गया है तो। हाँ, इस कड़कती हुई धूप में इस टाइम में लोग सोया करते हैं अपने रूम में और आपका मतके बाहर निकलता है। डबल डक्कर बस तो आ रहा, देखते कहाँ जाता है। आई वाह, सीटी जाएगा। पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों से बोला था कि मुझे YouTube से पेमेंट नहीं मिलता है। हाँ यार, मुझे YouTube से पेमेंट नहीं मिलता है। मैंने सही बोला, गलत थोड़ी बोला। आप लोग बोले आप झूठ बोल रहे हो, आपको मिलता है। मुझे YouTube से पेमेंट नहीं मिलता है यहाँ पर कुवैत में, इंडिया में आता है। आप लोग सोचते हो YouTube से पेमेंट आता है कि वह इन्जॉय करते होंगे, तो यहाँ पर मेरे को कोई पेमेंट वगैरह नहीं मिलता है। इंडिया में मिलता है मेरे को पेमेंट, यहाँ पर नहीं। तो जो भी इन्जॉयमेंट यहाँ पर होता है ना, मेरी सैलरी से ही होता है। तो ये था बात, तो सोचा कि आप लोगों को बता दे। और भीड़ देखो यार, फ्राइडे को ही, ओनली फ्राइडे को ही कुवैत में बहुत पब्लिक रहती है, छुट्टी रहती है ना सबकी, हर कंपनियों की और हर लोगों की। अभी यहाँ पर बस पकड़ना है हमें, तो अभी हम आसिफ भाई का वेट कर रहे हैं। आज हमें ज्वाइन करने वाले हैं आसिफ भाई। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा, मैं चर्च में गया हुआ था चर्च एक्सप्लोर करने, तो उसमें मैं वीडियो में थोड़ा गॉड से प्रे कर लिया था। तो मेरे एक सब्सक्राइबर है, कमेंट कर रहे हैं भाई कि तू कैसा मुस्लिम है, तू गॉड को मानता है, तू प्रेम मांग रहा है। तो यार मतलब लोगों की सोच है, मैं मुस्लिम हूँ मुझे पता है, अच्छी तरीके से मुझे पता है कि मैं मुस्लिम हूँ। आपकी सोच अपनी जगह, मेरी सोच मेरी जगह, मुझे पता है कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे मत बताओ आप, ठीक है? आप अपनी सोच अपने पास रखो, मेरी सोच मैं अपने पास रखता हूँ, ओके? और कितनी भीड़ है यार यहाँ पे आज के दिन, ओफो। आज के दिन ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा मेरे को मतलब घबराहट फील होता है। तो अभी आ चुके हैं आसिफ भाई, उनसे मिलते हैं, अभी रोड क्रॉस करते हैं यार। चलो आज देखते हैं कहाँ जाते हैं, आज का प्लान कुछ है नहीं। वालेकुम आसिफ भाई, कैसे हो? बढ़िया। चलिए फिर, तो हमारे आसिफ भाई फिर से एक बार हमारे साथ। तो आसिफ भाई कहाँ चलेंगे हम लोग आज, बताइए? कभी आपको ऐसा लगा है? इतू सा तो कुवैत है, इतू सा क्या घूमे हम लोग, क्या एक्सप्लोर करे कुवैत को, कभी आपको ऐसा लगा है? से स्मॉल कंट्री है, मतलब गल्फ कंट्री में बहुत छोटा है ना, इसमें कुछ है नहीं। तो देखते हैं क्या प्लान है, कुछ प्लान बनाया आपने? लेकिन बहुत कुछ है। हाँ कुछ नहीं है, लेकिन भाई सबसे छोटा है, लेकिन छोटा पैकेज बड़ा धमाका है। सबसे वर्ल्ड का नंबर वन करेंसी कुवैत की है। तो अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं बेस्ट यूसीपी के सामने, और हमारे आसिफ भाई ने वॉच ली, तो ये है वॉच 8W, क्या नाम है, 8W8 Max Ultra, तो ये वॉच है, ओके। और इसका ये लगाना है आपको, हाँ ये वाला लगाएंगे या ब्लैक वाला? ये वाला। तो फिर हम लोग लगा देते हैं, लगा के उसके बाद आसिफ भाई को पहनाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। लग चुका है आसिफ भाई का वॉच, रेडी हो चुका है। आसिफ भाई पहनिए, और इसका प्राइस क्या है आसिफ भाई, कितने का लिया है आपने? ये मैंने लिया है 12 दिनार का। 12 दिनार का लिया है, और यार ये ऑरेंज ऑरेंज काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, और आप पे सूट भी करेगा। तो फिर क्या प्लान बनाया आसिफ भाई, कहाँ चलेंगे? कुछ प्लान बना रहे हैं? कुछ नहीं,
आसिफ भाई ने बोला कि आज इनका थोड़ा मूड है घूमने का, तो बोले चलो ठीक है अभी आइए, काम पे से आए अभी। आसिफ भाई की भी अभी छुट्टी हुई है और मैं भी घर से कुछ खा के निकला नहीं हूँ, तो सोच रहे हम लोग केएफसी खा लिया जाए मालिया में। ये है केएफसी, चलिए आसिफ भाई, चलिए केएफसी। आसिफ भाई क्या लेंगे बोलिए, क्या लिया जाए? बकेट मिल्स वो तो खा नहीं सकते हम लोग, वो भी दो आदमी के लिए क्या सही रहेगा? 12 पीस चिकन ये सही है, ये सुपर डिनर 4 पीस दो आदमी के लिए सही है। हियर तो यहाँ पर ना आपको सिर्फ और सिर्फ फिलिपिनी ही मिलेंगे, इंडियन बहुत ही कम आते हैं केएफसी में, और गर्ल ज़्यादा आती है यहाँ पे, देखो आप हर तरफ। तो आसिफ भाई इंडियन बहुत कम आते हैं यहाँ पे, तो केएफसी के जितने भी आइटम है ना, ये सारे जितने भी आइटम सब आते हैं अमेरिका से, सब कुछ अमेरिका से आता है। ये जो आसिफ भाई गर्मा गर्म चिकन, अरे इसको हटाया नहीं ये लोग ने यार। चलिए निकल रहे हैं अभी हम केएफसी से, लोग सोच रहे थे कि बैठ के केएफसी खाते हुए कि क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए, छुटकू सा कुएं थे यार, समझ में नहीं आता, कभी कभी कंटेंट नहीं मिल पाता। तो आप लोगों की थोड़ी हेल्प चाहिए, थोड़ा मदद कीजिए आप लोग की, जो भी आपको देखना है कुएत में थोड़ा कमेंट में आप लोग बताइए कि हाँ हमें ये देखना है, ताकि हमें भी कंटेंट मिले। तो ये हेल्प चाहिए आप लोगों से, बाकी हम लोग देख रहे हैं अभी कहाँ जाना है क्या करना है, तो सोच रहे उसके बाद निकलते हैं। ओके बने रहिए ब्लॉग में। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हो कितनी एजिड बूढ़ी औरत है, तो यहाँ पर ना मतलब ऐसे एज में, इस एज में यहाँ पर ये रह नहीं सकती, तो ये इलीगल के तरीके से रह रही हैं। अगर मैं इनसे कुछ बात करने जाऊँ तो ये इजिप्शियन है, उल्टा मेरे पे चढ़ उठेंगी, गुस्सा हो जाएंगी, तो फिर इनसे दूरी रहें तो सही है। आपसे मांगने को मांग लेंगी पैसा, लेकिन आप कुछ बोलने जाओगे ना तो फिर गुस्सा होने लगेंगे। ये लग रहा है कि अभी बूढ़ी दादी गिर गई है, तो इसे लोग उठाने के लिए इकट्ठा हो गए, तो अभी मैं आगे चला गया था, तो क्या ही कहें यार, देख के अच्छा लगा। ब्लॉग बनाया हम लोगों ने, और एक तो छोटा कंट्री है कुवैत, तो जो आप लोग कमेंट करोगे, आप लोग कमेंट को देख करके हम ऐसे कंटेंट उसे यूज़ करेंगे, जो भी देखना है जो जानना चाहते हो कमेंट करो बताओ। अभी इस ब्रिज के थ्रू हम लोग जाएंगे उस साइड। असि भाई इधर आया हो ना आप, आए थे ना उस मीटअप था आपका, मीटअप के टाइम आए थे। ओके चलिए चलते हैं, धूप है अभी बहुत तक। उनका रूटीन का काम हो गया अभी, इसलिए वो ये काम छोड़ना नहीं चाहते। अच्छे पैसे मिलते हैं, जो वो इमोशनल दिखती है ना एकदम, हाँ उसके हिसाब से उनको पैसा ज्यादा। और हाँ और एक बात, यहाँ पर ना 60 लास्ट एज है, 60 साल हो गया ना उसके बाद यहाँ पर आप नहीं रह सकते, कुवैत गवर्नमेंट वीजा ही नहीं मारेगा, मारेगा तो वो फाइन लगता है शायद कुछ 600 के डी लगता है, ये रूल हो गया अभी। चलिए जी हम लोग पहुंच चुके हैं बीच पे, लेकिन अभी है लो टाइड, पानी पूरा ही अंदर है, और यहाँ पे पब्लिक देखो कितना पब्लिक है, वैसे कभी कभी यहाँ पे पब्लिक दिखता ही नहीं है, लेकिन अभी यहाँ से लेकर के ये जो भी बीच के किनारे जहाँ पे चले जाओ ना वहाँ पे पब्लिक दिखेंगे। थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत गर्मी है यार, चेस कीजिए चेस। आसिफ भाई यार हो जाता तो हमारे अकाउंट में बैलेंस है, लेकिन पता नहीं क्यों हो ही नहीं रहा है। पैसा रहा है लेकिन वो पायलट हो जा रहा है। 3 किलो है, 3 किलो है पैसा वाला कैसे भाई, तुम्हारे ब्लॉग में देता हूँ मार मार के लेके चलते हैं। चलो भाई धक्का ही मार के लेके चले, अभी चलता नहीं इसे, चलता है ना वापिस लेके आओ, इधर लाओ वापिस लाओ चला के। हाँ जस्ट स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो 100 पिल्स में, 50 सेकंड कौन चलाएगा 50 सेकंड, बहुत महंगा है भाई ये, नया खरीद लो ऐसे। अच्छा सनसेट हो रहा है और क्या खूबसूरत नजारा लग रहा है ना, टाटा से जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से जा रहे हैं। तो हमारे आसिफ भाई का बस आ चुका है 59 उधर है, बाय। वैसे यार घूम के काफ़ी अच्छा लगा आसिफ भाई के साथ में, तो आसिफ भाई अभी जा रहे हैं, हम भी घूम के उसकी बस पकड़ेंगे, हम भी निकलेंगे, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओके